दोस्तों, अगर आपको भी WhatsApp पे किसी ने ब्लॉक करके रखा है, आपकी फ्रेंड, आपकी GF या आपका VF, यहाँ पे गाइज अगर आप जो है खुद से अनब्लॉक करना चाहते हैं खुद को, तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपने YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस को सर्च किया होगा और आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है कि क्या जो है हम खुद को अनब्लॉक कर सकते हैं अगर हमें किसी ने ब्लॉक कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और अगर आप कर सकते हैं तो कैसे ये पॉसिबल है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे गाइज तो यहाँ पे इस तरीके को आप मिस कर देंगे। चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आप जो है यहाँ पे कैसे अपने आप को जो है अनब्लॉक कर सकते हैं और क्या ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पे ब्लॉक करके रखा है तो जब भी आप उसे मैसेज भेजते हैं तो आपके मैसेजेस डुअल टिक नहीं होंगे और साथ ही साथ उसकी DP भी आपको नहीं दिखेगी, यानी उसका ना DP देख सकते हैं, ना प्रोफाइल का इन्फो देख सकते हैं, कुछ भी आप नहीं देख पाएंगे, यानी आपने उसको उसने आपको जो है ब्लॉक करके रखा है। तो अब गाइज यहाँ पे तरीका बस एक ही है कि भाई अगर आप उसको किसी तरह से किसी ग्रुप बना के ग्रुप में ऐड कर सकते हैं तो आपके मैसेजेस वो पा सकता है। अगर आपने आप ग्रुप बना के ऐसा करते हैं तो ही ऐसा पॉसिबल है, बाकी अगर आप उसको जो है पर्सनल मैसेज करते हैं IB में तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ग्रुप आपको कैसे बनाना है, कैसे उसको ऐड करना है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सिंपली आपको गाइस कोई सा भी एक जो है ग्रुप क्रिएट कर लेना है 3-4 लोगों का, क्योंकि 2 से ज़्यादा लोग जब होंगे तभी आप ग्रुप क्रिएट कर पाएंगे, बाद में उन लोगों को आपको हटा देना है। अब जैसे ही गाइस आप यहां पे जो है ग्रुप से उन लोगों को हटा देंगे तो देख सकते हैं केवल और केवल ग्रुप में एक ही पार्टिसिपेंट्स दिख रहा है, यानी मेरी खुद की यहां पे ID है गाइस। तो अब गाइस आपको क्या करना है, इसी ग्रुप में उसको ऐड कर देना है जिसको आप जिसने आपको ब्लॉक करके रखा है। तो अगर आप ऐड पे जाएंगे, ऐड करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे गाइस लिख के आ जाएगा कुड नॉट ऐड मी, देख सकते हैं कुड नॉट ऐड मी यहां पे लिख के आ गया, यानी यहां पे आप उसको ऐड नहीं कर सकते। अगर आप खुद से ऐड करना चाहेंगे तो ऐड नहीं कर सकते। तो अब दूसरा तरीका क्या है कि उसको आप ग्रुप में ऐड कर पाएं, तो यहां पे गाइस दूसरा तरीका यही है कि आपको उसको किसी ना किसी तरह से किसी अलग नंबर से उसको अपने ग्रुप का लिंक सेंड करना है। यहां पे देख सकते हैं गाइस इनवाइट वाया लिंक यहां पे दिया हुआ है, आप सिंपली इस पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा, इसी लिंक से आपको जो है उसको इनवाइट करना है। अगर आपके लिंक से उसने गलती से भी टैप करके और वो जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे जो है उसको जो भी ग्रुप में मैसेज करेंगे उसके पास जाएगा, और चूंकि यहाँ पे केवल और केवल 2 ही पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, आप और वो रहेगा, तो यहाँ पे जो है आपके मैसेज बस उस तक जाएंगे, किसी और को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्रुप अगर 2 लोगों का है तो उसको ग्रुप नहीं बोलते हैं, फिर उसको पर्सनल IB ही बोलेंगे, क्योंकि कि भाई 2 लोग जैसे पर्सनल में चैट करते हैं वैसे ही अगर आपने ग्रुप बना के चैट किया तब भी जब 2 ही लोग रहेंगे तो मैसेज किसी को भी नहीं जाएगा और आप दोनों लोग जो भी बात करेंगे वो कोई और जो है देख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही गाइज उसको लिंक मिलेगा ग्रुप का आपके, और उसने जैसे इस पर टैप करके जो है ग्रुप को ज्वाइन किया, देख सकते हैं ज्वाइन ग्रुप आ गया है। तो जैसे ही वो ज्वाइन करेगा उसके बाद में गाइज क्या होगा कि आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं व्यू ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे वो ग्रुप में ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा दूसरा नंबर जो है ग्रुप में ऐड हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 2 नंबर को अपने खुद के नंबर से ही करके दिखा रहा हूँ सारा कुछ। तो आप गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने दूसरे नंबर से इस पर मैसेज करूँगा और देखूँगा कि हमारा मैसेज जो है यहाँ पे जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे गाइज जो है मैं फाइनली अपने ग्रुप में आ चुका हूँ और यहाँ पे गाइज मैं कोई भी मैसेज करूँगा, जैसे मैंने हाई लिख के मैसेज किया। तो अब गाइज मैं चलिए देखता हूँ कि जो है वहाँ पे मैसेज जो है मुझे दिखाई देता है या नहीं। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मैसेज मुझे मिल रहा है, मैंने जो भी मैसेज किया है, और जबकि जो है मैं यहाँ पे ब्लॉक्ड हूँ यानी मुझे जो है मैंने अभी तक खुद को अनब्लॉक नहीं किया है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ग्रुप के सारे मैसेजेस जो है शो कर रहे हैं मेरे दूसरे नंबर पे, जो भी मैं अपने फर्स्ट नंबर से मैसेज भेज रहा हूँ वो हमारे दूसरे नंबर पे जो है मैसेज यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो जो भी मैसेज आप ग्रुप में करेंगे उसको शो करेगा, भले ही पर्सनल IB में शो ना करें। तो यहाँ पे मैं पर्सनल IB में मैसेज भेज रहा हूँ, देख सकते हैं जो भी मैसेज भेज रहा हूँ डुअल टिक नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है ब्लॉक्ड हूँ, यानी उस नंबर से जो है मैंने खुद को ब्लॉक किया था, और अभी भी देख सकते हैं गाइज मैं ब्लॉक्ड हूँ फिर भी हमारा ग्रुप का मैसेज शो कर रहा है। पर्सनल IB में जो मैं भेज रहा हूँ वो यहाँ पे डुअल टिक नहीं हो रहा है, बाकी यहाँ पे कोई और तरीका नहीं है। उम्मीद करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।